राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वावधान में सावित्रीबाई फूले की जयंती अंबेडकर चौक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित तथा दीप प्रज्वलित कर एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर माल्यार्पण कर जन्मदिन मनाया गया। इसके संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनी कन्नौजिया ने बताया कि आज़ादी के पहले तक भारत में शूद्र और स्त्री की गिनती निम्न दर्जों में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। 18वीं सदी में स्त्रियों को स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं व लड़कियों को शिक्षा का हक दिलाया। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनी कन्नौजिया ने कहा, चंद्रिका भारती एडवोकेट। आज राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के 7वां स्थापना दिवस पर राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले, जो देश की प्रथम शिक्षिका हैं, उनकी 191वीं जयंती समारोह आज हम लोग मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर इन्होंने शिक्षा का ज्ञान और जागृत करने के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने हॉस्टल और कॉलेज ज्योतिबा राव फूले के सौजन्य से और सावित्रीबाई फूले के सौजन्य से इन लोगों ने खोलने का काम किया। पुनर्जागरण काल में इन लोगों ने शुरुआत किया था आज से लगभग 191 वर्ष पहले, और शिक्षा की जननी के रूप में सावित्रीबाई फूले ने उभर करके महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं की भागीदारी इस देश के हर क्षेत्र में 50% होनी चाहिए। जैसा कि अभी हाल ही में तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने अभी भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करने का ऐलान किया है, इसी के साथ साथ महिलाओं को आज भी किसी भी क्षेत्र में अगर उनको चूल्हा चौकट से हटा करके उनके शिक्षा के क्षेत्र में ले जाया जाए तो वह वायुवान से लेकर के चंद्रमा तक चढ़ने का काम महिलाओं ने किया है। ये उनके आज पूर्ण तिथि पर, आज उनके इस जन्मदिन पर मैं हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूँ सावित्रीबाई फूले को, कि हमेशा वो अमर रहे आज के लिए। मेरा नाम सोनी कन्नौजिया है। आज जो है सावित्रीबाई फूले का 191वां जन्मदिन है, और हम चाहते हैं कि देश के बच्चे बच्चे तक ये जाए कि यही हमारी शिक्षा की जो है हमारे मूल जड़ है कि हम लोग विकसित हो सकते हैं। आज भी हम लोग विकासशील हैं, जबकि उन्होंने कब का हम लोग को विकसित करने के लिए शिक्षा से भर दिया था। और सभी माताओं बहनों को इस स्टेज पे अपने आप से आना चाहिए, क्योंकि सब जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अंधविश्वास के जंजीरों में जकड़े रहेंगे, और वो जकड़न हमारी नसों को तोड़ डालेगी और हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और बाबा साहब ने जो हम लोग को संविधान लिख के दिया है कि हम एक हैं, एक का मतलब होता है कि हम सब एक हैं, हमारा परमेश्वर एक है, हमारा खून एक है, हम सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं। और हमारे जो इनके विचारधाराओं से लोग अभी भी बहुत लोग विचलित हैं, उस चीज को मान नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारे संविधान को लोग पीछे कर रहे हैं। और ये 7वां स्थापना दिवस बाबा साहब अंबेडकर का है, राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की तरफ से है, और हम यही चाहते हैं कि ये जागृति आज आग की तरह नहीं तूफान की तरह फैले, जैसे कि हवा को नहीं कोई रोक सकता है, पानी को नहीं रोक सकता, परिंदे को नहीं रोक सकता है, इस तरह बाबा साहब का जो है उनकी वचनों को इनकी बातों को वहाँ वहाँ तक फैलाया जाए। माताएं बहनें 2-4 घंटा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगाएं तो उनके बच्चे शिक्षित हो जाएं।